अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। लास्ट सीरीज में हमने सिंगल कैरिजवे पे मटेरियल कंप्यूट किया और उसके क्रॉस सेक्शन वगैरह और क्वांटिटी वगैरह कैलकुलेट की। आज की वीडियो से हम ड्यूल कैरिजवे पे वर्किंग शुरू करेंगे। तो लास्ट हमने जो ड्यूल कैरिजवे की वर्किंग की थी वो सुपर एलिवेशन तक कर ली थी हमने, और इसमें असम्बली से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। ऑलमोस्ट जो इससे पहले की चीज़ें हैं वो पहले एक्सप्लेन हो चुकी है, तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इनको लाइक ज़रूर किया करें और शेयर किया करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे असम्बली देख रहे हैं, ऑलरेडी बनी हुई है। मैं इसी असम्बली को दोबारा बनाऊँगा क्योंकि बार बार इसकी कोडिंग वगैरह देने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। यहाँ से मैं असेंबली मार्कर लगाता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ ड्यूल कैरिजवे, ओके। और यहाँ से जो है डिवाइडर प्लानर रोड है मेरा, ओके। और कोड फॉर डेमो, यहाँ पे मैंने जो कोड असाइन किया हुआ है और इसको मैं जस्ट ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं ये मार्कर जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। मार्कर हमारा साइन हो गया है। अभी इसमें हमने अपनी असेंबली क्रिएशन जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये असेंबली जो है इसमें जो भी कंपोनेंट यूज हुए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ये सारी जो है वो कंपोज की हुई है, बाई डिफॉल्ट सिविल 3D में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उस सीरीज में भी जो असेंबली यूज हुई थी वो भी कंपोज थी, असेंबली कंपोजर में, सब असेंबली कंपोजर में, और ये जो यूज हो रही है ये भी सब असेंबली कंपोजर में मैंने इसको बनाया है। तो ये वीडियो सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको असेंबली कंपोजर में भी इंशाल्लाह बना के देखेंगे कि ये कैसे बनी है, अगर ज़रूरत फील हुई तो, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिंक हाइड किए हुए हैं, मैं इनको वापस लेता हूँ। इसमें असेंबली प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ये जो लिंक है ये कुछ हाइड लिंक है, इसको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। बस इसमें ये दो लिंक थे जो हिडन थे, ओके। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। इस लिंक को मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ। अभी यहाँ पे ये जो है हमारा सबसे पहले ये जो है ये इनर शोल्डर है, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। मैं वन बाय वन कर रहा हूँ ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना हो, ओके। कॉपी, ओके, यहाँ तक हो गया है। ये जो इनर शोल्डर है इसमें फोर लेंस हैं, ओके, फोर लेयर्स हैं, ओके। दो असफाल्ट की लेयर तीन हैं इसमें और एक बेस है, जबकि कैरेज वे में यहाँ पे हमारे पास सब बेस भी है, तो यहाँ पे पांच लेयर हैं, ओके। इनर और आउटर शोल्डर जो पेव्ड हैं इनमें तीन लेयर जो हैं वो असफाल्ट की हैं और एक बेस की लेयर है, ओके। यहाँ पे हमारे पास अभी शोल्डर है, शोल्डर को भी मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ। ऑलरेडी लग गया है शोल्डर हमारा, ओके। और यहाँ पे ये जो डे लाइट के लिए मैंने लिंक यूज़ किया है इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे अभी जो है ये एक लिंक है हमारे पास, ठीक है, राइट मीडियन लिंक है, ओके। कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके, सॉरी। इसके हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ओके।
यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो इसकी ये जो स्लोप है वो प्लस में है, ओके, और राइट मीडियन लिंक है ये, ओके। और अगर हम इसको देखें तो ये लेफ्ट है, ओके। तो ये यहां से साइन हुआ है, ओके। इसमें हम देख लेते हैं कि कुछ इसमें हिडन है या नहीं, ओके। लिंक कंस्ट्रक्शन, ओके। ये लिंक है, ओके। इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे लाके मैं इसको लगा देता हूं, ओके। ये लिंक यहां पे आ गया है। अभी ये वाला जो लिंक है इसको मैं कॉपी करता हूं, कॉपी, और यहां पे मैं इसको लगा देता हूं। तो यहां पे ये लग गया लिंक, ओके। अभी ये असेंबली हमारी एक साइड की बन गई है, ओके। सेम मैं इसी को दोबारा कॉपी करता हूं यहां से, ओके, कॉपी, यस, ओके। यहां पे एक चीज बाकी है, ये इनर में जो एक्सटेंशन है ये बाकी है, यहां से हम इसको भी वन बाई वन जो है वो कॉपी कर लेते हैं, ओके, कॉपी। ये जेनरिक पेमेंट स्ट्रक्चर से मैंने इसको लिया है, ओके। ये जो लेयर्स हैं इनर साइड में, ये जो एक्सटेंशन बन रही है इसको मैंने जनरल पेमेंट स्ट्रक्चर से लिया है, ओके। अभी हमने यहां से इसको ले लेना है, ये जो लिंक है, ओके, और यहां पे इसको मैं लगा देता हूं, यस, ओके। ये लिंक लग गया हमारा। अभी हमने जो है ये लिंक हम बाद में भी लगा सकते हैं, पहले हमने ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लिंक है इसको हमने लगाना है, ये लिंक लग गया है, ओके। अभी यहां पे ये वाली जो हमारी असेंबली है ये हमने लगानी है, ओके। इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, ओके। ये यहां पे लग गई है, ओके। अभी ये वाला जो जनरल पेमेंट स्ट्रक्चर है इसको हमने लगाना है, ये जो एक्सटेंशन है हमारी, ओके, कॉपी, ये हमने यहां पे लगानी है, ओके। ये भी हमारी बन गई है, ओके। अभी हमारा ये मीडियन का जो लिंक है ये बाकी है, इसको भी हमें यहां पे लगा लेते हैं, ओके। यहां पे ये भी लग गया है, ओके। यहां तक असेंबली हमारी बन गई है, ओके, कॉपी, इसकी स्लोप जो है वो हम सेट कर लेते हैं, ओके, 2:1 की ये स्लोप हो गई है। तो असेंबली हमारी बन गई है। अभी हम देख लेते हैं इसमें कि हमारे पास क्या क्या चीज है, लेयर थिकनेस वगैरह क्या है, ओके। यहां पे अगर लेयर थिकनेस देखें तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, इसकी विड्थ है, ये जो इनर शोल्डर है, ओके, तो ये 1.5 है, सॉरी 1.5 अप्लाई, ओके, ठीक हो गए। या मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो 2 है मैं वही रहने देता हूं इसको, ओके, इसको हमने 2 रखना है, 2 मीटर है, ओके।
और यहाँ पे राइट आउटसाइड लेन स्लोप है इसकी, जो सुपर एलिवेशन इसको अप्लाई की है हमने वो राइट आउटसाइड लेन है, स्पोर्टेड है, और -1.5 जो है नॉर्मल स्लोप है। इसमें BWC की थिकनेस जो है वो 50 mm है, ओके। और इसका जो कोड है अस्फाल्टिक वेयरिंग कोर्स है, ओके। BWC की जगह अस्फाल्टिक वेयरिंग कोर्स यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट अस्फाल्टिक बेस कोर्स है, फर्स्ट लेयर 100 की है, दूसरी भी 100 की है, ओके। यहाँ पे बाद में ABC है, बेस कोर्स है, और बेस कोर्स की थिकनेस यहाँ पे 600 है, ओके। सेम जो एक्सटेंशन है इसकी भी ऐसे है, मगर इसकी ये जो सुपर एलिवेशन है यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये टू वर्ड क्रोन है, ये आउटसाइड लेन थी और ये टू वर्ड क्रोन है, ओके। यहाँ पे हमारे पास 5 लेयर्स हैं, और इसमें हमारे पास ऊपर की लेयर्स जो हैं, ठीक है, वो सेम है एसफाल्ट तक की, जबकि ये यहाँ पे ये जो बेस है वहाँ पे 600 था, यहाँ पे 300 है, और यहाँ पे 300 का हमने GSB भी यूज किया है, ओके। यहाँ पे अगर देखें तो आउटर शोल्डर ये सेम ही है इनर शोल्डर के, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो शोल्डर है अर्दन शोल्डर है, और इसमें साथ में हमारा स्ट्रक्चर मटेरियल भी है। यहाँ पे आप देखें तो इसकी जो शोल्डर विड्थ है वो 2 मीटर है, जो अर्दन शोल्डर है, यहाँ से यहाँ तक का जो शोल्डर है 2 मीटर है, और इसकी जो स्लोप है वो सॉरी जो स्ट्रक्चर मटेरियल है वो लेन स्लोप के हिसाब से है। ये वाली जो स्लोप है इसमें 2 स्लोप यूज हुई है, एक लेन स्लोप है और एक शोल्डर स्लोप है, और एक इनर स्लोप है। इनर स्लोप कौन सी है, ये जो इसकी कट स्लोप है, ठीक है, मटेरियल की ये वाली जो स्लोप है, ठीक है, ये 1:1 मैंने रखी है। ये वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर है, आप जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप इसको कितना कर सकते हैं। बाद में ये जो है ये 6:1 है, ओके, और ये -4% है, ओके। तो असेंबली हमारी बन गई है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ड्यूल कैरिजवे के लिए ये असेंबली कैसे बनेगी। यहाँ पे मीडियन जो है इसकी स्लोप जो है वो 6% है इनर साइड में, ओके। और ये वाले जो लिंक है, ये लिंक हमने किस लिए लगाए हैं, ये लिंक हमारे जो है वो प्रोफाइल लेवल को दोनों एज जो है वो फॉलो करेंगे, और जो सुपर एलिवेशन है वो इस एक्सिस पे रोटेट होगा दोनों साइड में। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।